वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर्स में। गाइस बात करेंगे आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो फाइनल यानी पांचवा T20 खेला जाएगा इसके बारे में ग्रैंड लीग का डिस्कस करेंगे। पूरा टीम इस बार थोड़ा सा मैंने अपना यहाँ पर पैटर्न चेंज किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा आपको, इससे पता चलेगा आपको। आपको एक तो आप अपनी टीम देख सकते हो किस हिसाब से पता चलेगी। अगर ये पैटर्न आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप लोग ग्रैंड लीग टारगेट के हमारे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, तो ही आप अपना गेम प्लान कर सकते हो। ठीक है, बीच में से स्किप करके देखोगे। मैं क्या आप चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखो और ग्रैंड लीग के बारे में या मेगा लीग के बारे में बताता है तो उसको पूरा सुना करो। अगर पूरा सुनोगे तो कुछ ना कुछ आपका फायदा होके जरूर जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंडिया, यहां पर भाई इंडिया की तरफ से तो मुझे लगता नहीं है कोई चेंजेस होने वाला है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करें यहां से कोई चेंजेस लगता है। सबसे पहले यहां पर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और यहां पर जो हमारा क्या नाम है पिच रिपोर्ट रहने वाली है, टीम्स का एक कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर बना के रखा हुआ है, आपको फिल करके बताऊंगा कैसे कैसे आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करें भाई पांचवा T20 दोनों यानी इंडिया साउथ अफ्रीका, शुरू के दो मैच साउथ अफ्रीका जीती, लास्ट के दो मैच इंडिया जीती है। ठीक है, और लास्ट के दो मैच हारी है साउथ अफ्रीका। इनका थोड़ा सा ये मान के चलो कि इनका जो रिदम होता ना वो टूट सा गया, थोड़ा ये होता है। बाकी ये मैच आपको पूरा कांटे की टक्कर वाला दिखने वाला है, दोनों टीम्स को जीतना है, सीरीज अपने नाम करनी है। ठीक है, यहाँ पर बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी में ये मैच खेला जाने वाला है। यहाँ का ग्राउंड आपको पहले ही बता रहा हूँ हिसाब किताब, थोड़ा सा ध्यान देना। वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो थंडरस्टॉर्म बताया गया, बट लगता नहीं मुझे बारिश होगी, मैच आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो टीम बैट फर्स्ट करती है, ठीक है, बैट फर्स्ट वाली टीम ना अक्सर हारती है। जो टीम बैट सेकंड करती है, ठीक है, जो टीम बैट सेकंड करती है वो टीम अधिकतर यहां पे विन करती है, यानी विनिंग के चांस यानी देखा जाए तो यहां पे चेस करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, बैटिंग ग्राउंड है अच्छा खासा, यहां पे स्कोर आपको टोटली यहां पर जो है 180 तक का स्कोर बड़े प्यार से दिख सकता, तो यहां पर 180 तक की टीम्स अभी बनाना। ठीक है, प्लस यहां पर जो गेम में बॉलर्स रहने वाले हैं वो आपके स्पिनर्स और पेसर्स दोनों गेम में रहेंगे, बताऊंगा कैसे कैसे किस हिसाब से आपको प्लेयर्स यहाँ पे चूज करना है। थोड़ा सा बस वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक देना, और क्या हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में आपको मिल सके, जिससे हेल्प हो आपके अपनी ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग की टीम बनाने में। ठीक है, पिच रिपोर्ट आपको मेरे हिसाब से यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर आपको अपने प्लेयर्स फंसाने कैसे कैसे वो आपको बताऊंगा पूरे वीडियो में। सबसे पहले ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे बैट फर्स्ट बैट सेकंड टॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी हिसाब से आप अपनी टीम से यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया की बात करें भाई ऋतुराज गायकवाड़ ये भी आज आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा सकता है। नंबर दो पे ईशान किशन पूरी सीरीज में ही फॉर्म में, ड्रीम टीम का हिस्सा बन के गया और आज भी बन के जाएगा। श्रेयस अय्यर ये भी आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा सकता है आज के मैच में। ऋषभ पंत ये भी आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा सकता है आज के मैच में। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। ठीक है, हार्दिक पांड्या की बात करें भाई आज अगर चाहो तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हो। ठीक है, बताऊंगा आगे कैसे कैसे, आपको ध्यान से सुन देना। अभी बता दे चलो बताना क्या है, हार्दिक पांड्या अगर आप जिस टीम में इंडिया के टॉप ऑर्डर को चला रहे हैं, चार विकेट तक अगर चला रहे हो तो हार्दिक पांड्या का उस टीम में कोई काम नहीं बनता। और यहां पर अगर इंडिया की टीम बॉल सेकंड यानी बैट सेकंड करती है तो भी आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है स्कोर साउथ अफ्रीका का कम बने और ये ऊपर के चार लोग इसको चेज कर दे और हार्दिक पांड्या आया अभी तो खाली दो चार रन के लिए, तो वहां पर हार्दिक पांड्या आपका फ्लॉप जा सकता है। ठीक है, तो यही सिचुएशन है केवल हार्दिक पांड्या की, इसके अलावा अगर बैट फर्स्ट करती है तो सारे मैच ज्यादातर टीम्स में रखने की कोशिश करना। दिनेश कार्तिक ये भी तभी काम आएगा जब इनका टॉप ऑर्डर यानी टॉप में से या तो गायकवाड़ हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, ईशान किशन हो गया, इन तीनों में से दो को छोड़ोगे तब आपका दिनेश कार्तिक काम आएगा। अगर दो को छोड़ोगे तो ही कल रखना, अदरवाइज मत रखना। ठीक है, अक्षर पटेल, ठीक है, अगर इंडिया की टीम बॉल फर्स्ट करती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। हर्षल पटेल, ठीक है, ये आज भी ड्रीम टीम का हिस्सा और देखा जाए तो हो सकता है एक अच्छा कैप्टन बन के जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चहल भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आज के लिए आवेश खान भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इनको फंसाना कैसे है वो आपको बताऊंगा, एक एक करके अपने टीम्स पर ध्यान से देखते रहना। ये तीन टीम जरूर बना रखी है मगर इन तीन टीम से आप 10 टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बस एक एक चेंजेस करके, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। उससे पहले कहे आप लोगों ने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि इस तरह की वीडियो आपको फ्यूचर मिलती रहे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि फाइनल टॉस होने के बाद वहीं पर आपको सारी अपडेट वगैरह दी जाती है। और कहे आप लोगों ना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर एप्स पर कर रहे हो तो बंद कर दो। रिसेंट में बैटबॉल 11 और विजन 11 सबसे बेस्ट ऐप है, यहां पर इन दोनों ऐप पर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन भी कम है और एंट्री फीस भी कम है, आप
अदर ऐप से काफी अच्छी अपनी मीनिंग को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, वहां से 7 बार रेफरल कोड चंदू123 जरूर करना, और जरूर लूडो या फिर अदर गेम से अर्न करके अपनी यहाँ पर इनकम करना चाहते हो तो उनके लिए तो बैट बॉल काफी सुपर ऐप है, ट्राई जरूर करना। साउथ अफ्रीका भाई यहाँ पे बहुमा है, लास्ट मैच में रिटायर्ड हुए थे, इस मैच में कोई श्योर शॉट नहीं है खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट अभी तक कोई ऐसी न्यूज निकल के नहीं आई है। प्लस क्रिक बच पर भी या फिर किसी भी जो हमारे क्रिकेट के ऑफिशियल वेबसाइट है कहीं पर भी बहुमा के बारे में मतलब नहीं खेलेंगे के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। फुल डाउटफुल है, अगर आउट होते तो फिर हेंड्रिक्स आज के मैच में दिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर खेलेंगे तो बैट सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। क्विंटन डिकॉक भाई ये आज के मैच का सुपर प्लेयर जा सकता है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। उसके बाद प्रिटोरियस ये आपके लिए इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे वो भी आपको बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। उसके बाद डशन ये आपके लिए आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हेनरिक क्लासिन, यहां तक आपके टीम के जो प्लेयर हैं ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होंगे, बहुमा का मैंने आपको बता दिया, बैट सेकंड में, क्विंटन डिकॉक कहीं भी हो चाहे बैट फर्स्ट हो सेकंड हो, प्रिटोरियस ज्यादा इंपॉर्टेंट तब रहेंगे जब इनकी टीम बैट फर्स्ट करेगी, ठीक है। अगर इनकी टीम बॉल फर्स्ट करेगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और हालांकि देखा जाए क्योंकि 4 ओवर कर रहे तो भाई कहीं ना कहीं विकेट मिलने के चांसेस हैं, रन्स वन डाउन खेलने के लिए आ रहे हैं तो आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बन के ज्यादा दिख सकता है, ज्यादा टीम्स पर ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद डेविड मिलर को ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, उसी टीम में सजेस्ट करूंगा जिसमें आप इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप कर रहे हो, यानी बहुमा को ड्रॉप कर रहे हो, साथ में यहाँ पे डशन हैने क्लासिन इनको ड्रॉप कर रहे हो तो जाके आपका मिलर का काम बनता, अदरवाइज मिलर का काम नहीं बनता और सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद वेनी पैनल इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, कगिसो रबाडा आज के मैच में वापसी कर सकते और इंपॉर्टेंट रहेंगे, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नोटिस यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे एनगीडी है आज के मैच में मेरे हिसाब से रिटेन करने चाहिए, लास्ट में भाई बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, हालांकि 2 विकेट आई थिंक लेके गया था बट ओवर भी 3 ही किए थे, ठीक है। केशव महाराज आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका भी बताऊंगा आगे कैसे कैसे यहाँ पर आप जब टीम बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे दोनों टीम्स की तरफ से प्लेइंग 11 और उम्मीद करता हूं समझ में आएगा बैट फर्स्ट में कौन रखना सेकंड में कौन रखना। सबसे पहले भाई यहाँ पे बात करते हैं टीम 1 की, यहाँ पे अगर इंडिया यहाँ पे फर्स्ट बैट करती है, ठीक है, या फिर ये मान लो फर्स्ट बॉल करती है, ठीक है, फर्स्ट बॉल करती है तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लेयर जो होंगे इंडिया से होंगे, सबसे पहले विकेट कीपर चॉइस रहेगी, अगर यहाँ पे क्या नाम आपका इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो यहाँ पे एक विकेट कीपर तो आपको पंत हो गया, ठीक है, एक विकेट कीपर आपका ऋषभ पंत हो गया। उसके बाद दूसरा विकेट कीपर आपका यहाँ से क्विंटन डिकॉक हो गया, ठीक है, क्विंटन डिकॉक डाल दिया, ये 2 विकेटकीपर आपके लिए मस्ट बन जाएंगे जब यहां पे इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो हमारे बैट्समैन है, बैट्समैन में से अभी मैं फिलहाल के लिए केवल 2 ही बैट्समैन आपको चूज करने हैं, ठीक है, इन तीनों में से केवल 2 चूज करने हैं, एक अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ईशान किशन को ले लेता हूं और दूसरा आपका श्रेयस अय्यर को ले लेता हूं, ठीक है, ईशान किशन श्रेयस अय्यर। उसके बाद हमारा जो तीसरा बैट्समैन रहेगा वो आपका यहां से रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे को बैट्समैन में कितने ऑप्शन मिलेंगे, डशन मिलेगा, डेविड क्या बहुमा मिलेगा, आई थिंक डेविड मिलर भी आपको ही मिलेगा, ठीक है, जहां भी हो देख लेना। सर एक टीम में हमने सबसे पहली टीम में यहां से मान लो बहुमा को, यानी टीम में बहुमा को अपने यहाँ पे ट्राई कर दिया, अब यहाँ पर बाकी के जो कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे उनमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे ईशान किशन के साथ एक में गायकवाड़ को चलाना, एक में ईशान के श्रेयस के साथ गायकवाड़ को चलाना, ठीक है, इस तरह का आपको सेट करके चलना है और यहां से एक ही बैट्समैन जैसे हमारा एक में हमने बहुमा चलाया और एक में आप यहाँ पर क्या नाम है डशन चला दोगे, एक में आपका डेविड मिलर आपको बैटिंग में दिखेंगे तो आप यहाँ पर डेविड मिलर को चला लोगे, ठीक है, बैटिंग और ऑलराउंडर का सॉरी बैट्समैन और यहाँ पर जो आपका विकेट कीपर, उम्मीद करता हूँ कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी अगर यहाँ पर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें भाई यहाँ पे कुछ टीम्स ऐसी होंगी जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं चलेगा, यानी एक ही विकेट कीपर सॉरी एक ही ऑलराउंडर जाएगा, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ऊपर एक बैट्समैन चाहो तो इंडिया का बढ़ा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे पांड्या और क्या नाम है आपका प्रिटोरियस दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे उस सिचुएशन में जब यहाँ पे इंडिया बैट फर्स्ट कर रही हो, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर ध्यान रखना अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे तो आप प्रिटोरियस को एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉलर्स की, यहाँ पे इंडिया बैट फर्स्ट कर रही है तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि चेजिंग टीम मतलब चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे चेज बड़े आसानी से होता है तो इस सिचुएशन में आपको इंडिया से मैक्सिमम जैसे एक तो आपका हर्षल पटेल हो गया, ठीक है, हर्षल पटेल एक विकेट एक बॉलर ले लिया आपने, दूसरा आपने चहल ले लिया, ठीक है, 2 ये हो गए, बाकी के जो कॉम्बिनेशन बनाओगे
हर्षल पटेल के साथ एक में क्या नाम है आपका, हमने चहल चलाया, दूसरे में भुवनेश्वर कुमार को चला लेना, हर्षल पटेल के साथ आविश खान को चला लेना, ठीक है। इस तरह के प्लेयर्स आप इस टीम में चला सकते हो जब इंडिया बैट फर्स्ट कर रही हो तो। बाकी के जो दो बॉलर रहने वाले वो आपके चाहे एनगिडी हो, क्या नाम है, रवाना तो आपके रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रवाड़े के साथ आपको एक टीम में एनगिडी चलाना है और एक टीम में आपको महाराज चलाना है, ठीक है। और एक टीम में चाहो तो वैनी पैनल को चला सकते हो जब इनकी टीम बॉल फर्स्ट कर रही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पांड्या को अगर आप ड्रॉप कर रहे हो उस टीम में, तो यहां पर आप वैनी पैनल को भी अपनी टीम में चला सकते हो। आएगा आज के मैच में, खेलेगा जहां तक ख्याल है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की टीम्स का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा जब इंडिया बैट फर्स्ट कर रही है तो। इस सिचुएशन में भाई लगता नहीं मुझे कि साउथ अफ्रीका के कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो चार चार विकेट लेके जाएगा, वो भी इंडिया की, ठीक है। बट इंडिया का चार चार प्लेयर ले भी जा रहा है तो ले भी आज के मैच में बन सकता है चार मैच वाला, मतलब चार क्या नाम आपका, चार विकेट ले जाने वाला प्लेयर, ठीक है। तो यहां पर अगर टीम बैट फर्स्ट करे इंडिया की तो आपकी इस तरह की टीम्स बनेगी। और इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन चाहो तो आप इंडिया का टॉप ऑर्डर में से उठा सकते हो, या ईशान किशन हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, पंत तक तो नहीं कहूंगा सजेस्ट, या फिर यहां से बॉलर्स में से चाहो तो क्या नाम है, जैसे मैंने आपको पेड्रेस का बताया, पेड्रेस को उठा सकते हो एज ए कैप्टन। उसके बाद आप हर्षल पटेल को उठा सकते हो, हालांकि लगता नहीं मुझे सेकंड इनिंग में क्योंकि विकेट मिलेगी इतनी ज्यादा, क्योंकि चेजिंग ग्राउंड है, हो सकता है विकेट इतनी ज्यादा ना मिले, एक या दो मिले, तो उस सीजन में आपका बैट्समैन ही काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टीम वन जब हमारी इंडिया बैट फर्स्ट करेगी, सॉरी टीम टू और टीम थ्री ये तब बनेगी जब यहां पर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी तो भाई एक टीम तो बनेगी हमारे तीन विकेट कीपर के साथ, जिसमें हमारा ऋषभ पंत होगा, ठीक है, दूसरा हमारा क्विंटन डिकॉक होगा और तीसरा हमारा हेनरिक क्लासिन होगा, ठीक है। एक टीम हमारी ये हो गई। उसके बाद इसमें तीन सेम तीन बैट्समैन चलेंगे, जिनमें से इंडिया के दो, यानी ये बैट फर्स्ट करेगी, चेजिंग ग्राउंड है, तो इंडिया के दो बैट्समैन आपके पास चाहिए, यहां से ईशान किशन के साथ क्या नाम आपका श्रेयस अय्यर को चला लो, या फिर श्रेयस अय्यर के साथ गायकवाड को चला लो, इस तरह की टीम्स आपको यहां पे भी आपको दो फंसाने हैं, ठीक है। एक बैट्समैन साउथ अफ्रीका का, यानी बैट्समैन की ट्रिक आपकी सेम रहेगी दोनों सिचुएशन में, विकेट के बैट्समैन साउथ अफ्रीका की तरफ से एक ही जाएगा और इंडिया की तरफ से दो बैट्समैन जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका जब इनकी टीम बैट फर्स्ट कर रही हो यानी साउथ अफ्रीका, तो यहां पर आप इस तरह की टीम से, यानी उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी खत्म हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक विकेट कीपर, सॉरी क्या नाम आपका, एक ऑलराउंडर मात्र, ऐसी इस तरह की टीम से मात्र एक ऑलराउंडर चलेगा, वो रहेगा आपका प्रिटोरियस, ठीक है। प्रिटोरियस रहेगा क्योंकि यहां पे हार्दिक पांड्या आप देख रहे हो यहां पर आता है कितने राउंड पे, एक दो तीन चार पांच, यानी चार विकेट गिरेंगे तब आएगा। सपोज दैट अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका अगर भाई पहली इनिंग में बैट फर्स्ट करते हुए यहां पर अगर मान लो 130 40 या 150 160 तक अगर ऑल आउट हो गए, तो भाई इंडिया की टीम के जो प्लेयर है ना, सेकंड चेजिंग ग्राउंड है, ये चारों के चारों इतना दमखम रखते हैं कि यहां तक इसको यहां तक कवर कर लेंगे, मतलब यहां तक स्कोर चेज कर लेंगे, हार्दिक पांड्या की बैट आएगी तो 5 से 10 रन मार के जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह की टीम जो बनाओगे जिसमें तीन विकेट कीपर रखोगे, उसमें आपका यहाँ पे क्या नाम है, केवल एकमात्र बैट्समैन जो आपका सॉरी ऑलराउंडर पिटोरियस रहेगा, बाकी के चार बॉलर्स, इनमें चार बॉलर्स में आपको करना क्या है, सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे क्या नाम है साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंडिया के तीन बॉलर आपको चला लेने हैं, ठीक है। तीन बॉलर चाहे यहाँ पे एक चला लो हर्षल पटेल, ठीक है, एक चला लो भुवनेश्वर कुमार, एक चला लो आवेश खान, ठीक है। अब इनको आपका प्लेयर बचा एक, इनको आपको स्वैप करना है, ठीक है। यहां पे चहल बचा, चहल के साथ अभी ये मैं आपको डमी टीम बना के दे रहा हूं, चहल तो 100% रहेगा अपनी टीम में, ठीक है, ये डमी टीम है इसलिए आपको बता रहा हूं। तो चहल के साथ इन, यानी टोटल इस तरह के, साउथ अफ्रीका अगर बैट फर्स्ट करेगी तो आपके तीन बॉलर जाने चाहिए इंडिया की तरफ से, चाहे कोई से भी जाओ, और इसी सिचुएशन में आपको चार विकेट ले जाने वाला प्लेयर हमारा इंडिया का आज ही फिर से दिख सकता है। और जहां तक मुझे प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, या तो भुवनेश्वर कुमार रहने वाले हैं और या तो फिर हर्षल पटेल रहने वाले हैं। तो यानी अगर यहां पर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो आपको कैप्टन की चॉइस मैं यही सजेस्ट करूंगा ज्यादातर इंडिया की तरफ से कोई बॉलर रखना जो ज्यादा यहां पर चार विकेट ले जाने की दमखम रखता हो, ठीक है। तो भुवनेश्वर और हर्षल पटेल पर उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर जो एकमात्र बॉलर चलेगा वो आपका चलेगा साउथ अफ्रीका का, चाहे यहां पर ले लो एनगिडी को, ठीक है। जो बाकी की टीम बनाओगे, एक में एनगिडी रख लिया, दूसरी टीम में केशव महाराज रख लिया, तीसरी टीम में ककेश्वर रवाड़ा रख लिया, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा जब साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट कर रही हो। सेम टीम नंबर थ्री जो टाइप्स रहने वाला है, यहां पर अगर साउथ अफ्रीका फिर से बैट फर्स्ट करती है तो, यानी दो तरह की टीम्स बनेगी अगर यहां पर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो, ठीक है। दूसरी टीम कैसे बनेगी, साउथ अफ्रीका भाई विकेट कीपर में आपका क्या नाम आ जाएगा, आर ऋषभ पंत आ जाएगा, ठीक है। यहां भी हमने लिया था ऋषभ पंत आएगा, दूसरा हमारा आपका क्विंटन डिकॉक, क्योंकि भाई हेनरिक क्लासिन
डाउन आ रहा है खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरिक क्लासन डाउन और प्लस यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड भी अच्छा, बट अगर आप यहाँ पर चाह रहे हो तो क्विंटन डिकॉक की जगह पर तीसरी टीम जो बनाओगे, यानी इसी जो टीम थ्री का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, टीम वन और टू का जो यानी बैट फर्स्ट करेगी साउथ अफ्रीका, तो कॉम्बिनेशन रहेगा वहां पर आप एक टीम और एक्स्ट्रा बना सकते हो जिसमें आप क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके हेनरिक क्लासन को रख सकते हो। तीन विकेट कवर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दो विकेट कवर वाली टीम जो आपको इस तरह की बनेगी, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे दो मैंने आपको विकेट कीपर का चेंजेस रहेगा बस, उसके बाद तीन बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तीन बॉलर्स बोले तो क्या नाम आपका सॉरी बैट्समैन, सेम ट्रिक वही रहेगी, दो इंडिया के एक यहाँ पे क्या नाम आपका साउथ अफ्रीका का, दो इंडिया के एक साउथ अफ्रीका का। उसके बाद सेम यहाँ पे मान लो यहाँ पे ईशान किशन हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया और क्या नाम आपका यहां से दर्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया इस सिचुएशन की टीम में जिसमें आप दो विकेट के साथ बनाओगे इनकी टीम साउथ अफ्रीका की टीम, वहां पे आप यहाँ पे क्या नाम आपका अगर हेनरिक क्लासन को ड्रॉप करके बना रहे हो तो यहाँ पे आपका एक तो ड्वेन पेट्रियस हो जाएगा, दूसरा आपका हार्दिक पांड्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरी जो अगली नेक्स्ट टीम होगी उसमें एक आपका ड्वेन पेट्रियस हो गया, दूसरा आपका वेनी पैनल हो गया, क्योंकि हो सकता है कम ही स्कोर बने, यहाँ पे इंडिया यानी बैट फर्स्ट कर रही है, सेकंड इंडिया करेगी, तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बैटिंग ना आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो बॉलर्स रहने वाले हैं तीन इस तरह की टीम में जो बनाओगे अगर जिसमें आप वेनी पैनल को ले रहे हो और साथ में यहाँ पे ड्वेन पेट्रियस को रख रहे हो, ठीक है, उसमें आप चाहो तो चारों के चारों इंडिया के बॉलर्स यहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर हो सकता है चारों के सारे इंडिया वाले विकेट यहाँ पर परफॉर्म कर जाए और विकेट लेके चला जाए, ठीक है। उस सीजन में यहाँ पर आप एक टीम में अक्षर पटेल को भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि अक्षर पटेल भी आपका प्लेयर बन सकता है ड्रीम टीम का हिस्सा उस सीजन में जब यहाँ पर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी तब, ठीक है। तो उम्मीद कर दो गाइस मैंने तीनों टीम्स आपको बड़े तहे दिल से समझाई, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अब तक देखी होगी तो आपको पता चला होगा इन तीन टीम्स में कैसे आप ग्रैंड लीग कंपनी बना सकते हो, कैसे अपने प्लेयर्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। तो इसीलिए कहता हूं गाइस वीडियो को पूरा देखा करो, अगर गाइस ये तरीका आपको अच्छा लगा हमारा तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट टाइम में हम इसी तरह की वीडियोस बनाएं या फिर कुछ अलग डिफरेंट करें जैसे हम पहले देते थे वैसा ही करें, ठीक है। टीम्स देना पॉसिबल नहीं है, पूरी टीम्स में बना के नहीं दिखा सकता, ठीक है, कोई फायदा भी नहीं है उस चीज का क्योंकि डमी टीम रहेगी तो डमी टीम का कोई मतलब बनता नहीं है। यही मेरे को तरीका सबसे बेस्ट लगा जो आपको जो मतलब जैसे आप बहुत जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था टोटल एनालिस, अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन भाई डिपेंड करेगी, मैंने आपको तीन तरह की टीम्स बनाई है, इन तीन तरह की टीम्स में आपका डिपेंड करेगा सिचुएशन कि आप किसने किस सिचुएशन की टीम बनाई है। जो हमारी पहले वाली टीम है इसमें क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया बैट फर्स्ट कर रही है तो आप चाहो तो इंडिया का ही बैट्समैन जो मैंने बताया आपको चाहे ईशान किशन हो चाहे श्रेयस अय्यर हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ हो, और गायकवाड़ को तो भाई जहां रखोगे सीधा कैप्टन बनाना अदरवाइज हटाना, ठीक है। जिस मतलब जिस जो हमारी टीम वन है इन टीम के मान लो आप तीन कॉम्बिनेशन बनाते हो, फर्स्ट टीम का हमारा तीन कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो तो वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास होगा किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में, जहां होगा सीधा कैप्टन होगा, ठीक है। उसके बाद एक में श्रेयस अय्यर एक में ईशान किशन, इस तरह से आप यहाँ का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन के लिए आप चाहो तो साउथ अफ्रीका जैसा प्रेटोरियस हो गया, क्विंटन डिकॉक हो गया, इनको ट्राई कर सकते हो इस तरह की टीम्स में। सेकंड टीम जैसा क्या नाम आपका टीम टू जहां पर हमारे साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी, इस सिचुएशन में इंडिया का कोई भी बॉलर उठा के आप यहां पर कैप्टन बना सकते हो कोई भी बॉलर, ठीक है, जब यहां पर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगी। और इस तरह की टीम से भी कोई सभी आपका मैक्सिमम बॉलर ही कैप्टन चलेगा, वाइस कैप्टन के आप इंडिया का हमारा गायकवाड़ हो गया, ईशान किशन हो गया या फिर श्रेयस अय्यर हो गया, इनको ट्राई कर सकते हो या फिर क्विंटन डिकॉक को ट्राई कर सकते हो, क्विंटन डिकॉक अच्छा ऑप्शन है, डसन अच्छा ऑप्शन है, मिडल ऑर्डर में आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा टोटल एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करना ताकि इस तरह की वीडियो जब फ्यूचर में आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहे। और बैट बॉल 11 विजन पे साइन अप नहीं किया हो तो भाई कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंदो123 जरूर यूज करना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।